बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, ये आज जेंडर रिवील के हवाले से मैं एक कंपैरिजन की एक वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मेल और फीमेल जेंडर दोनों वो डिस्कस करते हैं। आमतौर पे ये बड़ा क्यूरियोसिटी होती है और इसका जो करेक्ट अल्ट्रासाउंड पे फिर आइडेंटिफिकेशन भी बाज़ुकात जो सोनोग्राफर्स हैं वो मिस कर जाते हैं। तो ये जो पहली वीडियो, इसमें आप एरो का निशान देख रहे हैं, ये बेसिकली बेबी बॉय है, मेल फीटस है। इसमें इस साइन को बेसिकली टर्टल साइन कहते हैं। कछुए की तरह इसका जो है वो गर्दन है और पीछे उसका ये धड़ टाइप है। तो ये आप देख सकते हैं एरो का निशान जहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये टर्टल साइन इसे कहते हैं। और ये बेबी बॉय या मेल फीटस को ये शो करता है। आम तौर पे जो जेंडर है ये 15-16 हफ्ते पे आसानी से जो है ना वो आप इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और फिर उसके बाद तमाम स्कैन्स पे आप इसको इजीली जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आपको पता चल जाता है कि जो है ना जेंडर क्या है। तो इसमें आप देख सकते हैं बड़ा क्लियर जो है ये टर्टल साइन आ रहा है ये अभी भी बॉय का। अब ये जो सेकंड वीडियो मैंने साथ कंपैरिजन पे लगाई है, इसको कहते हैं 3 white lines साइन। ये आप देखेंगे जहाँ पे एरो का निशान आ रहा है, ये 3 white lines नज़र आ रही हैं। ये आप अभी इसको ये थोड़ा सा इसको अभी अब देखें, अब ये 3 बिल्कुल white lines जो हैं ये यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और ये बेसिकली जो है वो बेबी गर्ल या फीमेल फीटस को शो करता है। तो इसको यहाँ पे 3 white line sign भी कहते हैं या फिर हैमबर्गर साइन भी कहते हैं। तो अल्ट्रासाउंड मशीन पे इस तरह से ये नज़र आता है। और ये भी आम तौर पे जो है आप 15-16 वीक पे आसानी के साथ जो है ना इसको विजुलाइज कर लेते हैं अल्ट्रासाउंड मशीन पे, और उसके बाद फिर ये बड़ा इजीली जो हो जाता है अगर टेक्निक सोनोग्राफर की अच्छी है। थैंक यू सो मच।